हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। आज उनका भी हमारे समय से 20% कम है बेरोजगारी में। देखो आप, बेरोजगारी में आज हरियाणा उत्तर भारत में नंबर एक पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में प्रतिशत में बढ़ा है। जो 2.6 हमारे टाइम में थी, आज 2.8 थी, 8 थी, आज 8.6 हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं प्रतिशत, आज मतलब देश में दूसरे नंबर पर है, हरियाणा में ना उत्तर भारत में नंबर एक पर है बेरोजगारी में। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई हरियाणा में, आप आपके सामने कोई उसका लोगों का निदान, उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे रोजगारी के लिए। तो हर हर उसमें कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हो किस प्रकार चरमा गई। औसतन 3 जो है वो कत्ल रोज होते हैं हरियाणा में, और आपका रेप, बलात्कार और पेट्रोल पंप है, किसी भी देख लो, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो ऐसी सरकार है, कोई भी एक उपलब्धि ये बताएं, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लेके आए हों, कानून व्यवस्था इंप्रूव करी हो। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड से देख लें क्या है आज, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है हरियाणा में, कहीं भी आप देख लें। तो हर उस पर ये विफल है सरकार। ये तो कह रहे हैं हमने व्यवस्था की है, आज आज भी वित्त मंत्री का आपने पढ़ा भी होगा, छपा है, हरियाणा में भाई भतीजावाद खत्म किया, व्यवस्था कायम की है। कौन सी व्यवस्था है, कौन सा भाई भतीजावाद था हरियाणा में? वह तो आज तमाशा हो रहा है इनका। जो नौकरियां जिसकी ये बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से परचून की दुकान इस तरह बिकी हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, पकड़े भी गए हैं, एसएस कमीशन का चयन में भी सस्पेंड किया गया है। आज भी, आज के अखबार में भी था, जो मतलब जो एडॉक पे लगाते हैं उसमें कितने घोटाले हैं, घोटालों पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। सर एक आपकी आज आज जो है जो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो गरीब आदमी को गेहूं की जगह आटा देने का काम किया था, और वो आटा में मिलावट होती थी, और इस वास्ते हुआ आज फिर वो फिर शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मतलब उसमें भी घोटाला है, घपला करने के लिए आटा दे, गेहूं दो आपको, अगर उनको आप और मदद करना चाहते हो और सब्सिडाइज कर दो उसको, ताकि वो पिसवा लेंगे अपने आप। आपने चौटाला साहब की बात की, वित्त मंत्री का लिए आपके बारे में जिस तरह चौटाला साहब ने प्रेम भरी बातें करी हैं, तो अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि क्या एक होने की संभावना हो रही है आपको? किस बात के लिए? कोई मैं चुनावी कोई जैसे एक संभावना होने जाती है, वो अक्सर इस बात को अब नहीं नहीं हमारे विचारधारा नहीं मिलती, तो एक होने का क्या मतलब है? सर आपकी गुप्त नीति की लगातार बात हो रही है, कह रहे हैं कि 10 दिन में कोई गुप्त नीति बना रहे हो आप लोग और सामने आएगी जल्दी, क्या है सर? जो नीति गुप्त है तो उसको सार्वजनिक क्यों करूं? पर्दे क्यों करूं सार्वजनिक? तो ये थे हरियाणा के पूर्व सीएम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।